मधिया, आज जिस तरह से अहमद ने बताया कि रविवार है इसलिए थोड़ा सा प्रेशर कम है अगर हम पूरे ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें तो, लेकिन दिल्ली में किस तरह से हाल बदहाल है हम लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। कई इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो कि इशारा कर रही हैं कि देश की राजधानी पर स्पीड पर ब्रेक लग गया है। बिल्कुल, देश की राजधानी का इस वक्त हाल बेहाल है और कल हुई बारिश के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, लेकिन उसके बाद लोगों की मुसीबतें कितनी बढ़ गई हैं उसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कालका जी मंदिर के पास देशबंधु कॉलेज और देशबंधु कॉलेज की ये दीवार है वो गिरी। कल दोपहर 2 बजे का ये वाकया है जिससे 15 गाड़ियां डैमेज हुई हैं और सीधी तस्वीर इस वक्त आप देखिए जरा किस तरह से गाड़ियां बुरी तरह इससे डैमेज हुई हैं। दीवार गिरती है, जो तार है यहाँ पर बिजली के वो भी गिर जाते हैं और आगे जो पोल है वो भी गिरा हुआ है बिजली का। तो ये सोचिए कि यहाँ पर लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा कल हुआ होगा। लाइन से जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं सभी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो दीवार है उसका मलबा बुरी तरह से गाड़ियों को दबा दिया है उसने और गाड़ियां यहाँ पर बुरी तरह से डैमेज हुई हैं। ये सब वो लोग हैं जो इलाके के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अपना नुकसान जो है वो देख रहे हैं कि कितना नुकसान उन लोगों का हुआ है। और देखिए ज़रा सबसे बड़ा ख़तरा बिजली का, बिजली के तार, बिजली का पोल इस तरह से घर के ऊपर गिरता है और सोचिए कि जान को कितना बड़ा ख़तरा यहाँ पर होता है। यहाँ पर इलाके की जो काउंसलर हैं वो पहुंची हुई हैं, इलाके के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपनी परेशानी बता रहे हैं कितना डैमेज हुआ है। सर अगर आपसे मैं पूछूं, आप इलाके के ही हैं, कल कितना नुकसान आप लोगों का हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देखिए इन गाड़ियों को देखिए, सामने आपके सामने है ये, आप देखिए कॉलेज के उस साइड पे जितनी इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी पिछले 1-2-3 साल से, ये जितनी लूज मिट्टी है आप देखिए सारी की सारी दीवार पे बाहर आया है और सारी दीवार यहाँ गिरी है। ये तो कुछ इतनी गाड़ियाँ कम से कम 10-12 गाड़ियाँ डैमेज हुई, 8-7 तो आपके सामने हैं, 2-3 वर्कशॉप चली गई हैं, बहुत डैमेज हुआ है। स्कूटर्स हैं, 2-व्हीलर्स हैं, ये तो जान बच गई किसी की जो यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था। इलाके के काउंसलर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। मैम मुझे ये बताइए कि कल दोपहर का वाकया है, मलबा अभी तक उठा नहीं है, काम में इतनी देरी? मैडम मैं कल उसी समय जब हुआ था तभी आ गई मैंने, क्योंकि लोगों की गाड़ियों के इंश्योरेंस मिलने हैं उसको तुरंत में हटाएंगे तो वो सब चीज़ें FIR होनी थी। कल रात तक FIR दर्ज हो गई, मैंने तभी प्रिंसिपल सर से बात करी थी कि आप, और अभी भी मैंने यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं कल आई मैंने देखा कि अगर ये लोग नहीं करने वाले हैं तो हम करेंगे ना, आप हमारे को बताइए कि आप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये दीवार दिल्ली उसके देशबंधु कॉलेज की दीवार है और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कॉलेज की दीवार 50% तो मिट्टी है इसके अंदर और ये 10 फुट दीवार थी और इसके बीच में कोई पिलर नहीं है, अगर कोई पिलर होता तो कम डैमेज होता। और ये जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें दिल्ली NCR में काफी जगहों से आ रही है और ये साफ साफ इशारा कर रही हैं कि अभी मुसीबत की केवल शुरुआत हुई है। ध्यान रखिएगा कि मानसून अभी केवल शुरू हुआ है, अभी 3-4 महीने बाकी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।